उत्तराखंड के हल्द्वानी में भनभुलपुरा में हिंसा भड़क उठी। नैनीताल पुलिस का कहना है कि हल्द्वानी थाना क्षेत्र के भनभुलपुरा में पहले से चिन्हित स्थल पर अतिक्रमण हटाने का काम हो रहा था, तभी पथराव शुरू हुआ। पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि एक विशेष समुदाय के पथराव और आगजनी के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई और आम लोगों के साथ साथ सरकारी संपत्ति का भी नुकसान हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। खबरों की माने तो भनभुलपुरा में पुलिस कथित रूप से गैरकानूनी तरीके से बने एक मदरसे को तोड़ने का काम करवा रही थी, तभी स्थानीय लोगों ने आगजनी शुरू कर दी और पत्थर फेंके। मदरसे को हटाने के काम में नगरपालिका कर्मचारी और पुलिसकर्मी शामिल थे। खबरों की माने तो भनभुलपुर इलाके में भड़की हिंसा में कम से कम 60 लोग जख्मी हुए हैं। नैनीताल के डीएम वंदना सिंह ने कहा है कि हिंसा में 2 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है जो अगले आदेश तक जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंसक भीड़ ने कई वाहन जला दी हैं, जिनमें ज्यादातर दुपहिया वाहन हैं। इनकी संख्या के बारे में फिलहाल स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता। हिंसा में 1 दर्जन पत्रकारों समेत कई पुलिसकर्मी और नागरिक प्रशासन के लोग भी हिंसा में घायल हुए हैं। सुरक्षा स्थिति को देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 4 बटालियन समेत आसपास के जिलों से पुलिस बल को गुरुवार शाम को ही हल्द्वानी बुला लिया गया था। इलाके के एसएसपी प्रहलाद मीणा ने कहा कि मदरसा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना था और उसे तोड़ने का नोटिस पहले ही दिया जा चुका था। सीएम धामी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा? हल्द्वानी के भनभुलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गुरुवार को दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सीएम ने हल्द्वानी के भनभुलपुरा में अवैध निर्माण को हटाए जाने के दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों पर हमले तथा क्षेत्र में अशांति फैलाने की घटना को गंभीरता से लिया। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी निरंतर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोशिश करें। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा कि जिलाधिकारी ने फोन पर मुख्यमंत्री को बताया कि अशांति वाले क्षेत्र भनभुलपुरा में कर्फ्यू लगाया गया है और स्थिति को सामान्य बनाए रखने की लगातार कोशिश की जा रही है। आखिर पूरा मामला क्या है? हल्द्वानी के भनभुलपुरा में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन अभियान चला रहा है। ये घनी आबादी वाला इलाका है जहां अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा है। गुरुवार शाम जैसे ही मदरसे को तोड़ने का काम शुरू किया गया, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए और धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की। प्रशासन का कहना है कि नाराज भीड़ ने भनभुलपुरा थाने पर भी हमला बोल दिया और पुलिस की कई गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। बीजेपी नेता नेहा जोशी ने इस हिंसा को प्रदेश में लागू हुए समान नागरिक संहिता से जोड़ा है। सोशल मीडिया साइट पर उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, ये मात्र सहयोग नहीं हो सकता। इससे पारित होने के 24 घंटे के भीतर ही हल्द्वानी में हिंसा भड़क उठी। पुलिस और मीडिया कर्मियों पर हमला हुआ, आगजनी की गई। नैनीताल के डीएम ने क्या कुछ कहा? हल्द्वानी की स्थिति से हम सब चिंतित हैं। हल्द्वानी का इतिहास प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का रहा है। हमारा शांत आगे बढ़ता हुआ हल्द्वानी यदि उबल रहा है तो ये चिंता का विषय है। हम सब हल्द्वानी हमारा अभिमान है, हमारी शान है, मेरा कुल किसान है, हमारी कॉमर्शियल कैपिटल है। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि शांति सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें और किसी तरीके की उत्तेजक कार्रवाई से हर व्यक्ति परहेज करें, प्रशासन भी और जनता का शांति की तरफ आगे। नैनीताल के डीएम वंदना सिंह ने कहा कि ये कोई अलग घटना नहीं है जिसमें जानबूझकर किसी की संपत्ति को निशाना बनाया गया है। उन्होंने बताया कि बीते 15-20 दिनों से हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह की लगातार तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन हम लोग इलाके में लगातार कोशिश कर रहे हैं किसी तरह की हिंसा ना भड़के, लेकिन
यहां हिंसा भड़की है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है, 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हैं। यहां के लोगों ने क्या कुछ कहा? कहा जा रहा है कि जिस मदरसे को हटाने की कोशिश की जा रही थी वो नजूल जमीन पर थी। नजूल जमीन सरकारी जमीन ही होती है, लेकिन राजस्व दस्तावेजों में आधिकारिक तौर पर इसका जिक्र नहीं होता। बनबुलपुरा के रहने वाले लोगों का कहना है कि ये मस्जिद अब्दुल मलिक नाम के एक व्यक्ति ने बनाई थी। उन्होंने ये जमीन जिस व्यक्ति से खरीदी थी उन्होंने इस पे पट्टे पर लिया था। उन्होंने कहा कि बीते 4 से 5 दिनों से पुलिस इस इलाके में आ रही थी और वो बता रही थी कि मदरसा और मस्जिद को हटा दिया जाएगा। गुरुवार को सवेरे प्रशासन के लोग यहाँ जेसीबी मशीन के साथ पहुंचे और 5 से 6 बजे यहाँ पहुंचे। उन्हें पता चला कि यहाँ पत्थरबाजी हुई है और कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई। कुछ लोगों ने पुलिस थाने जाकर तोड़फोड़ की है। ये पूरी घटना 30 से 40 मिनट तक चलती रही। फिलहाल जो स्थिति है, इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है और लगातार घर में लोग बंद हैं, लेकिन स्पष्ट आदेश दे दिए गए हैं कि दंगाई जो भी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।